प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत गिरिडीह के टावर चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद विभिन्न करों के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थों में लूट मची हुई है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई उस वक्त पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे और डीजल पर 3 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क था, जिसे बढ़ाकर पेट्रोल पर 18 रुपए 70 पैसे और डीजल पर 18 रुपए 34 पैसे की वृद्धि की गई। उस वक्त रसोई गैस 400 रुपए में सिलेंडर के साथ उपलब्ध था, आज 1000 से भी अधिक मूल्य पर मिल रही है। कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की लूट का पर्दाफाश करती रहेगी और सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि को वापस लेने को मजबूर करेगी। मौके पर अशोक विश्वकर्मा, वासुदेव वर्मा, इतवारी वर्मा, धनंजय सिंह, परेश नाथ मिश्रा, मदन विश्वकर्मा, कृष्णा सिंह, सद्दाम हुसैन, सादाब अली खान, महमूद अली खान समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम। केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के निर्देश पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के प्रभारी निर्देश पर पूरे भारत में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जनमत आंदोलन कर रही है। आपने देखा होगा 21 तारीख को हमारे कांग्रेस के साथी अपने घरों के बाहर सिलेंडर और स्कूटी वगैरह रख करके उनको सरकारी देने का काम किया, और दूसरे चरण में हम लोगों ने प्रदर्शन करके ये बताने का काम किया, मोदी जी आपने जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार वृद्धि कर रहे हैं, जिसका असर हर चीज पर पड़ता है। आपने आश्चर्य की बात तो ये है कि जब यूपी के समेत अन्य 4 राज्यों में चुनाव जब हो रही थी उस वक्त पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे थे, उस वक्त स्थिर क्यों था, इसका मतलब ये चुनाव को लेकर के सारा काम करते हैं और देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, वो जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी।